वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और पुनः जो इससे पिछले वाला वीडियो आपने देखा होगा उसमें ए और बी के बीच में महामुकाबला हुआ था और अब जो है अभी हो रहा है वो होगा सी और डी के बीच में। तो सी के ये हैं सी में जो उपस्थित स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 3 है और डी वाले में 4 हैं, एक स्टूडेंट नहीं आ पाए हैं आज इस वजह से। चलिए तो इसमें जो है वो हैं आपके प्रियंका कुमारी शविता और उसके बाद कमलेश, और इधर जो डी वाले में हैं वो हैं सुनील और सुभाषिनी और एक भारती। तो इन तीनों का आप देखिए कि किसका किस तरह का परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम सी वालों से पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, अधिवास की लघुतम इकाई क्या है? कस्बा, पल्ली, ग्राम, नगर। कस्बा बोले हैं प्रियंका कुमारी और इस तरह से, और वैसे सही जवाब कमलेश ने दिया था पल्ली, लेकिन आपने बाद में दिया इसलिए पहले अपने आप में डिसाइड कर लो मैं दे रहा हूं आंसर, ठीक है, वो डिसीजन खुद में आप करिएगा। चलिए तो इधर के स्टूडेंट फिर बाकी समझ गए ना, सी वाले से हो गया तो डी वाले बोलेंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। बोलिएगा कि इनमें से कौन इथोपिया की राजधानी है? कैनबरा, लुसाका, अदीस अबाबा या नैरोबी। जिसको याद है वो बाकी साथियों को बोलिए चुप रहिए, हम बोल रहे हैं आंसर, ठीक है। बोलिएगा कौन सा इसमें से इथोपिया की राजधानी है? कैनबरा, लुसाका या अदीस अबाबा। अदीस अबाबा बोले हैं आंसर, क्या सही है? बिल्कुल सही है, सुभाषिनी के नाम पे 2 पॉइंट दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं इन्होंने। अब हम आएंगे पुनः जो है वो सी वाले के तरफ। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? जेरूशलम, मैनचेस्टर, ओसाका या फ्रैंकफर्ट। कौन सा सांस्कृतिक नगर है? जेरूशलम या मैनचेस्टर, ओसाका या फ्रैंकफर्ट। ओसाका दीजिए कमलेश के नाम पे 0 पॉइंट। अब हम पुनः पहुंच जाएंगे इधर की ओर आपके डी की ओर। 2011 में भारत में कितनी मिलियन सिटी थे? 53। तो इन्होंने बिना ऑप्शन के ही आंसर दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से बिल्कुल सही है, सुभाषिनी के नाम पे 2 पॉइंट जोड़ा जाए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आएंगे, पर आप पहुंचेंगे। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? कैनबरा, लंदन, मक्का, ओसाका। सांस्कृतिक नगर कौन सा है? कैनबरा, लंदन, मक्का या ओसाका। आप लोग सुनते होंगे कैनबरा, तो दीजिए प्रियंका के नाम पे 0 पॉइंट, क्योंकि मक्का है, मक्का मदीना, ठीक है, याद हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम पहुंचेंगे। अगले पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? आयताकार, देखिए कंफर्म हो जाए, आप सही आप बोल रहे हैं सही कि वो बोलेगा, कौन बोलेगा? तुम चलो, तो सीढ़ी नुमा बिल्कुल सही जवाब है। तो मारिएगा दीजिएगा सुभाषिनी के नाम पे 2 पॉइंट्स। चलिए अब हम पुनः जो है सी वाले से पूछेंगे, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? रेखीय, वृत्ताकार, नाभिकीय या तारारूपी होगा। कैसा? बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, कमलेश के नाम पे 2 पॉइंट दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और इसके साथ ही डी वाले से हम पूछेंगे। क्वेश्चन ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना रहा? 2011 की जनगणना के अनुसार से भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना रहा था? 65.4%, 74.04%, 76.10%, 77.18%। बताइएगा। 74.04%। बिल्कुल सही जवाब, सुभाषिनी पूरा लगता है पढ़ के आए हैं, अभी अपने टीम को आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं ए वाले की या नहीं। जो दिलकुश ने 18 पॉइंट 20 पॉइंटों में 18 पॉइंट प्राप्ति किए हैं, क्या अपने टीम को आगे लेकर चलेंगे कि नहीं? अभी तो वो वैसे स्टैंड कर रही है, तो अभी तो हो गया 2 पॉइंट दे दिए। चलिए
अब हम पुनः पहुंचेंगे सी वाले के तरफ, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, बिहार, गोवा या इनमें से कोई नहीं? गोवा। तो इस तरह से कमलेश के नाम पे जीरो दीजिएगा, केरल है, दीजिएगा जीरो, दे दिए। नेक्स्ट, अब हम पुनः जो है वो उधर जाएंगे यानी डी वाले के तरफ, ठीक है, बोलिएगा। डी वाले स्टूडेंट से हम क्वेश्चन करेंगे, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक, खनन, पर्यटन या इनमें से कोई नहीं? औद्योगिक। तो इस तरह से मारिएगा, दीजिएगा टू पॉइंट दीजिएगा सुभाषनी पर, ठीक है। हम पुनः आएंगे इधर, भिलाई किस वर्ग का नगर है? औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर या परिवहन नगर? सी वाले बोलेंगे औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर या खनन नगर या परिवहन नगर? खनन नगर। तो प्रियंका के नाम पे जीरो पॉइंट दीजिएगा, भिलाई जो है वो औद्योगिक नगर है, कोई बोलेगा नहीं, बाकी ऑडियंस जो भी है वो बोलेंगे नहीं, सिर्फ आप लोग सुनने की कोशिश करेंगे। चलिए हम पहुंचेंगे पुनः डी वाले के तरफ, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़ या बोधगया? चंडीगढ़। तो चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, सुभाषनी पर टू पॉइंट दीजिएगा। अब हम पुनः आएंगे सी वाले के तरफ, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित या इनमें से कोई नहीं? जल जहां पे अभाव होता है वहां पे कैसी बस्ती होती है? पल्ली होती है या फिर प्रकीर्ण होता है या गुच्छित होता है या इनमें से कोई नहीं? प्रकीर्ण, बिल्कुल सही जवाब। तो कमलेश के नाम पे टू पॉइंट दिया जाए। चलिए, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? डी वाले बोलेंगे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? मुंबई, बिल्कुल सही जवाब, मानिएगा। नेक्स्ट, इधर की ओर हम आएंगे, 2011 में भारत में मेगा नगरों की संख्या कितनी रही? 4, 5, 8 या 10? बिल्कुल सही जवाब, टू पॉइंट दीजिएगा कमलेश के नाम पे, ठीक है, बहुत बढ़िया अमरजीत, बहुत बढ़िया अमरजीत के नाम पे। भारत में सबसे छोटा 10 लाखी वर्ष नगर 2011 के अनुसार से, प्रयागराज, फरीदाबाद, कोटा या अमृतसर? ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, हमको लग रहा है कि आप लोगों ने बढ़िया से नहीं सुना, तो ध्यान से सुनिएगा। भारत में सबसे छोटा 10 लाखी नगर 2011 के अनुसार से कौन सा है? प्रयागराज, प्रयागराज जिसमें इलाहाबाद पहले नाम था, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा कोटा या चौथा जो है वो अमृतसर? सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है? प्रयागराज। हमको लग रहा है बिल्कुल गलत जवाब आपने दिया, कोटा होगा, ठीक है। इस तरह से सुभाषनी के नाम पे जीरो इसमें दीजिएगा, ठीक है। आइए, क्या वो क्वेश्चन हुआ? आठ को, मात्र 2 क्वेश्चनों का बचा है और बैलेंस करने के लिए शायद हमको लगता है सी वालों को ज्यादा स्ट्रगल करने की आवश्यकता है, तो आप लोग पढ़ के जरूर आइएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं 2 क्वेश्चन फटाफट कर लेता हूं, लेकिन आगे के सेशन में जरूर आप लोग पढ़ के आइए, बढ़िया से रिवीजन करके आइए, सीधे तुक्का मारिएगा, तो उससे आपका ना एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला पाएंगे और ना यहां पे जीत सकते हैं कप, ठीक है। अभी वैसे गेम ओवर नहीं हुआ है, एक बार है, आप समझ गए रूल रेगुलेशन, तो आप लोग बढ़िया से स्ट्रगल करके आइएगा, बढ़िया से प्रयास करके आइएगा। बोलिएगा सी वाले, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? गन्ना, कॉफी, मक्का या चुकंदर? मक्का, बिल्कुल सही जवाब दे पाए हैं कमलेश जी। अब हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं डी वाले ग्रुप से, 9वीं क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बागानी फसल नहीं है? बागानी फसल नहीं है, हम पूछ रहे हैं, रबर, चाय, कॉफी या मक्का? बिल्कुल सही जवाब, सुभाषनी के नाम पे 2 पॉइंट दीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब पुनः हम आएंगे इधर और बोलिएगा कि हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से या दूध के उत्पादन से, दाल के उत्पादन से या इनमें से कोई नहीं? बोलने दीजिए, बोलिए।
ऑप्शन ए। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। बिल्कुल सही जवाब। कमलेश जी ने अपना कॉन्फिडेंस को दिखाया और 2 पॉइंट्स गॉट किया। तो चलिए अब हम पुणे लास्ट क्वेश्चन था ना, ये लास्ट होगा। डी वाले से हम पूछेंगे कि इनमें से खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी या जून से सितंबर? जून से सितंबर। क्या सही जवाब दे पाए हैं? बिल्कुल सही जवाब दे पाए हैं। और अभी रिकॉर्ड एक बना था तो वो जो है वो 10 में से 9.9 क्वेश्चनों का सही समय जवाब दिए थे। अभी तुरंत आपने देखा जो 10 में से क्वेश्चन 9 क्वेश्चनों का जवाब जो है वो दिए थे हमारे दिलखुश जी। और अभी तुरंत जो है वो डी वाले ग्रुप से जो है वो दिए हैं सुभाषिनी कुमारी। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप आगे इसी तरह से प्रयास करें, बेहतर करें और 40 में से 39 और 50 में से 50 लेकर के आए। जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिस्ट्री में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पे आप 50 में 50 लाओ, यही हमारी विशेष होगा। तो हमारे और इधर से जो हैं वो लाए हैं सी में जो है वो कितना लाए हैं? टोटल 10 पॉइंट ला पाए हैं। और इधर के स्टूडेंट 19 पॉइंट लाए हैं। अभी 9 पॉइंट का गैप है। जैसे आपने ए और बी में देखा था तो उसमें 6 पॉइंटों का, वो अगले मैच में ये लोग कोशिश करेगा कि जो सेशन होगा उसमें ज्यादा से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले आएंगे कमलेश जी को इस तरफ से ज्यादा पॉइंट आए हैं। तो आइए कमलेश जी, आइए एक मिनट आइए। सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये गेम खेलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, इससे क्या फायदा होने वाले? क्या फायदे? याद करने के जरूरत है और भी। हाँ। तो आपके टीम को जो है वो मात्र 11 पॉइंट मिला है, 12 पॉइंट मिला है, 10 पॉइंट टोटल 10 पॉइंट ही मिल पाया है। रीजन क्या है? क्या आप में पढ़ने वाले स्टूडेंट लग रहा है कि कमजोर है क्या? ऐसा क्या लगे जी? ऐसा तो नहीं है। नहीं, पर तो पढ़ने भर के नहीं आया। अच्छा, आपके टीम के जो प्लेयर्स हैं वो पढ़ के हमको लगता है कम आए, रिवीजन करके नहीं आए हैं। ठीक है, इसको सीरियस पूर्ण रूप से गेम को नहीं लिए हैं। अगर सीरियस नहीं लेंगे आपका पहला मैच आपको बहुत नीचे कर सकता है। ठीक है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बेहतर करें। बहुत बहुत शुभकामना, आगे मैच में आप कवर करने की कोशिश कीजिएगा। और हमारे साथ जो है वो सबसे सी ग्रुप के जो है वो बी डी डी सॉरी डी ग्रुप के सुहासिनी कुमारी जो है वो सबसे बेहतर। तुमको ये गेम खेलकर कैसा लग रहा है? मतलब इससे क्या फायदे होगा? बहुत अच्छा लगता है और इससे मेरे को पूरे बुक का रिवीजन होता है। बिल्कुल सही। इन्होंने क्या कहा कि रिवीजन, देखिए रिवीजन मस्ट है। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो सहपाठी है, बहुत सारी लड़कियां हैं और जो जवाब नहीं दे पा रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए? आपको कैसे पढ़ी और कैसे आपने कवर कर लिया? मात्र 24 घंटे का टाइम दिया था मैंने और उसमें ही आपने ज्योग्राफी का इतना बेहतर ढंग से ऑब्जेक्टिव, उम्मीद से बहुत ज्यादा बेहतर आपकी टीम किया है। इसके लिए तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी टीम को कि आगे और बेहतर करें। आप बताइए कि कैसे आपने प्रिपरेशन किया, थोड़ा कुछ बताइए इन लोगों को भी जो आगे ये लोग भी आगे कवर कर लेंगे। बताइए ना कुछ कैसे की? अपना शेयर करो ना एक्सपीरियंस कुछ हो। कैसे पढ़ती हूँ? सुबह को पढ़ती हूँ, सुबह को उठती हूँ 4 बजे। पढ़ने का प्रोसेस क्या है? जैसे ऑब्जेक्टिव आपने इस तरह से डील किया है, इसका प्रोसेस क्या है? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि रिवीजन मस्ट है। आप जितना पढ़ाए हैं कम से कम उतना, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोशिश, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की जो है वो जरूरत है। जो भी 12th के स्टूडेंट है उन सभी से यही मैं कहूंगा वीडियो को खत्म करते करते कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि इस तरह के कॉपरेटिव टाइप के जो है वो रीडिंग करने का प्रोसेस जो है वो बहुत सारे जो बिहार के अभी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट होगा उन तक पहुंचेगा और उनको थोड़ा पढ़ने का तरीका में डेवलपमेंट होगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।